आज हम हरा चना रोल बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आपको बहुत पसंद आएगा। नमस्ते, कमला फूड पार्किंग में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के घंटे को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। हरा चना रोल बनाने के लिए 1 कटोरी हरा चना, आधी कटोरी मिल्क पाउडर, 2 कटोरी दूध जो 1 गिलास हुआ है। सबसे पहले हम हरे चने को धोकर इसका पेस्ट बना लेंगे। ये 1/4 कटोरी देसी घी लेना है। हम घी को गैस पे चढ़ा देंगे। इस कढ़ाई के अंदर दूध डाल देंगे और मावा बना लेंगे। मैं इस दूध के अंदर थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं। इधर हम दूध से मावा बना लेंगे और हरे चने का पेस्ट भी भून लेंगे। घी गर्म होने पर मैं ये पेस्ट डाल देती हूँ। स्लो गैस पर हरे चने के पेस्ट को भून लेंगे। इधर चम्मच से हिलाते हुए इस दूध का मावा बना लेंगे। हमें इस दूध के अंदर कलर इतना डालना है कि ये डार्क लगे। ये देखिए, हमारा दूध गाढ़ा पड़ने को आ गया है। तो अब मैं शक्कर डाल दूँगी, आधा चम्मच शक्कर। शक्कर आप टेस्ट करके डाल सकते हैं। शक्कर घुलने तक इस मावे को और रहने देंगे गैस पर। ये देखिए, हमने हरे चने के पेस्ट को भी भून लिया है। भूनने के बाद ये ऐसा बिखरना चाहिए। लगातार आप चम्मच से चलाते हुए भून ले, हिलाते हुए। मावा बनाते समय हमें मावे को एकदम बिखरा बिखरा नहीं बनाना है, इसको लूज ही रखना है। ये आप देख सकते हैं, इस भुने हुए हरे चने के पेस्ट के अंदर अब हम ये मिल्क पाउडर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। अब इसके अंदर हम शुगर पाउडर डाल देंगे। मैं 1.5 छोटा चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालें। अब मिक्स कर लेंगे। हम जैसे आटा गूंथते हैं वैसे इसको मिक्स करके इकट्ठा कर लेंगे। देखिए ऐसे करना है। प्लास्टिक के ऊपर हल्का सा घी फैलाकर फिर इसको रख के बेल लेंगे बेलन से ऐसे। आप चाहें तो इसको हाथ से भी ऐसे ऐसे फैला सकते हैं, पर इसको ऐसे लंबा ही फैलाना है क्योंकि हम रोल बना रहे हैं। तो अगर इसको फैलाते समय आपका ये फटता है तो इसके अंदर 1 घूंट दूध डाल के फिर से मिक्स करके इसको फैला दे, इससे आपका नहीं फटेगा। ये देखिए, भूनते हैं तो हार्ड हो जाता है तो फिर फटने लग जाता है, इसलिए अगर फटता है तो आप दूध मिला दीजिए या आप चाहे तो पानी भी मिला सकते हैं और फिर से इसको गूंथ लीजिए। अब हम इसके ऊपर ये मावा रख देंगे और इसको लंबा लंबा फैला देंगे ऐसे। मावे के अंदर भी आप शक्कर का टेस्ट कर ले, आपको जैसे मीठा चाहिए वैसा आप शक्कर डालें। इसको मावे को इसके ऊपर दबा देंगे हल्के हाथ से। अब हम इसको ऐसे रोल बना लेंगे। इसको ऐसे प्लास्टिक के अंदर ही ऐसे जॉइंट कर लेंगे। इसको एक सरीका कर लेंगे। ये खोपरे का बुरा है, इस खोपरे के बुरे के अंदर इस रोल को लपेट लेंगे। अब इसको सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटे के बाद मैंने फ्रिज से निकाल लिया है इसको। इसको काट लेंगे हम। ये देखिए, हमें चाकू से ऐसे 1-1 इंच के रोल काटने हैं। ये देखिए, इस मिठाई के अंदर आपने मीठा बराबर डाला तभी आपको ये मिठाई बहुत पसंद आएगी। एक बार फिर बता रही हूँ, अगर भुना हुआ हरे चने का पेस्ट अगर आप नहीं बेल सकते हैं तो इसके अंदर या तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए या फिर दूध डाल दीजिए, वो हल्का गीला हो जाएगा तो आराम से बेल पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपना टेस्ट कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। हरे चने का रोल खाएं, इसे आप हरे चने मावा का रोल भी बोल सकते हैं।